सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो किसान कर्ज माफी, यानी कि वे मेरे किसान भाई जिन्होंने केसीसी कार्ड यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो लोन ले रखा है उनके लिए लेटेस्ट हाल ही की न्यूज आई है, इसलिए जिन्होंने केसीसी ले रखा है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेटेस्ट न्यूज आई है इसमें जो लिखा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रवि 2018-19 के लिए हाल ही की किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए लेटेस्ट सूचना। तो आप देखिए केसीसी धारकों हेतु ये सूचना है, इसमें जो लिखा है कि हमारे समस्त केसीसी धारक किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ व रवि फसल का बीमा बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए बीमा की राशि आपके कृषि कार्ड खाते से दी जाती है व रवि फसल बीमा की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2018 है। इसलिए आप किसान भाइयों को इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप अपना कृषि कार्ड खाते से संबंधित निम्न अनुसार सुनिश्चित करें। यदि कोई किसान अपनी फसल की पूर्ववर्ती योजना फसल में बदलाव लाना चाहता है तो वह दिनांक 27 दिसंबर 2018 तक अपनी फसल का ब्यौरा लिखित रूप से अपने संबंधित SBI शाखा में जमा करें या अपने जिस भी बैंक से लोन ले रखा है उस शाखा से संपर्क करें। इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना बैंक खाता आधार से लिंक करवाना जरूरी है। यदि आपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो दिनांक 27 दिसंबर 2018 तक अपनी संबंधित SBI शाखा या जो आपकी शाखा है उसमें आधार कार्ड जमा करवाएं ताकि आपको फसल बीमा का लाभ मिल सके। और आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में एनरोलमेंट नंबर भी आप दे सकते हैं आधार कार्ड के। आपके किसान क्रेडिट कार्ड खाते में आधार संख्या नहीं होने की वजह से अगर आपकी फसल का बीमा नहीं होता है तो फसल का नुकसान होने पर बीमा क्लेम नहीं मिलने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। ये लेटेस्ट न्यूज हाल ही की है और इसमें जो फायदा होता है वो भी आप देखिए। किसानों के लिए अगर फसल कटाई करने के बाद भी सूखने के लिए खेत में काट कर फैला कर छोड़ दी गई फसल को अगर चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा या ओलावृष्टि से अधिकतम 14 दिन के होने वाले नुकसान का जो भी नुकसान होगा वो सरकार भरेगी और योजना सभी ऋणी किसानों की अनिवार्यता तथा गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। तो ऋणी जो KCC किसान कार्ड धारक हैं वो बैंक बीमा, देखिए बीमा बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज रकबे फसल के आधार पर, ये उनके लिए लेटेस्ट न्यूज है। इसलिए जो भी मेरे किसान भाई जिन्होंने KCC कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन ले रखा है उनके फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए लेटेस्ट न्यूज है। इसलिए वो अपना आधार कार्ड जमा करवाएं 27 दिसंबर 2018 से पहले या 31 से पहले जरूर कराएं अपनी होम ब्रांच में और इस योजना का लाभ उठाएं। साथियों इसी प्रकार आपके लिए जो भी लेटेस्ट न्यूज आए चाहे किसानों के हित में या आप बेरोजगार युवाओं के लिए जो स्टेट या सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसी निकले उनकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाल रंग की सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए जिससे आपको जो भी न्यूज आए उनकी सूचना सबसे